नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विजया। आज मैं आपको कहती हूँ बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की कथा। आप मेरे साथ पहले बोलिए, जय बर्फानी जो हमें दे अन्न पानी, जय बाबा बर्फानी। एक बार हुआ यूं कि माँ गौरी जिद करने लगी भोलेनाथ बाबा से कि आप गले में इतने मुंड क्यों डाले रखते हो, आप मुझे इसका रहस्य बताएं। अब वो बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि भई ये भूल जाएंगी, तो मैं उन्होंने बोल दिया मैं सुबह बताऊंगा। अब सुबह फिर माँ गौरी उनसे जिद करने लगी कि बताओ आप ये मुंड क्यों डाला करते हैं गले में। तो बाबा बोले कि ऐसा है कि जितने तुमने जन्म लिए हैं उसका प्रतीक स्वरूप मैं एक मुंड डालता हूँ, और जितने अभी तुम जन्म लोगी उसका मैं हर जन्म का तुम्हारे एक मुंड डालता रहूँगा। अब इससे माँ पार्वती, माँ गौरा और परेशान हो गई। उन्होंने बोला मैं तो आपकी तरह ही अजर अमर होना चाहती हूँ बाबा, आप मुझे कुछ ऐसा करिए मैं भी अजर अमर हो जाऊँ और इस जन्म मरण के जो मेरा चक्रव्यूह है इससे मैं निकल जाऊँ। तो हंसने लगे बाबा। उन्होंने बोला भोलेनाथ ने कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें कल बताऊँगा इसके लिए क्या करना है। ऐसे वो टालते जा रहे थे कि माँ गौरा भूल जाएँ इस बात को, पर माँ गौरा कहाँ मानने वाली थी, वो नहीं भूली इस बात को। फिर भोलेनाथ ने कहा चलो फिर एक ऐसी जगह तुम ढूंढो जहाँ पर कोई ना हो, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। तो माँ ने कहा ठीक है, हम ऐसी ही जगह पर चलते हैं। उन्होंने ढूंढी जो आज आप जानते हैं ना, अमरनाथ की गुफा, जहाँ पे बर्फ़ का बाबा का अब भी शिवलिंग अपने आप बना करता है, एक शिवलिंग अपने आप हर सावन में लोग जाते हैं दर्शन करते हैं, वो गुफा ढूंढी थी माँ गौरा ने। तो वो बोला बाबा ने उनसे कि चलो हम दोनों चलते हैं और मैं वहाँ तुम्हें कथा सुनाऊँगा, पर पहले जो मेरे शरीर पर इतनी चीज़ें हैं मुझे इन सब का त्याग करना पड़ेगा, तब हम चल पाएंगे वहाँ पर। तो भोलेनाथ ने सबसे पहले त्याग करा था अपनी सवारी का, अपने नंदी का। तो सबसे पहले पहलगांव में त्याग किया भोलेनाथ ने नंदी का, उसके बाद माँ गौरा और भोलेनाथ आगे बढ़े, आगे जाके अपने सर्पों का शेष नाग पर त्याग किया भोलेनाथ ने। फिर वो दोनों आगे बढ़े तो पंचतरणी में माँ गंगा का त्याग करा। आपने देखा है ना मस्तक के ऊपर अपने सर पर लिए फिरते हैं बाबा भोलेनाथ माँ गंगा को, उनको भी छोड़ दिया था वहाँ पे पंचतरणी में। उसके बाद आगे चल के गणेश जी का भी त्याग करा था, गणेश टॉप पर जहाँ पर ये यात्रा समापन से सर पास आ जाती है वहाँ पे गणेश जी का भी त्याग किया था, और चंद्रमा का त्याग करा था चंदनवाड़ी में भोलेनाथ ने। तो इन सब चीज़ों का जो उनके शरीर पे रहती है इन सब का त्याग कर कर बाबा भोलेनाथ माँ गौरा को लेके चले थे अमरनाथ की गुफा की ओर। उन्होंने कहा देख लो यहाँ कोई है तो नहीं। माँ ने कहा, माँ गौरा ने देखा, उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा है गौरा, मैं ना आँख बंद कर तुमको कथा सुनाऊँगा तो तुम हुकारे भरती रहना ताकि तुम मुझे लगे कि तुम कथा सुन रही हो। माँ गौरा ने कहा ठीक है अब कथा प्रारंभ कीजिए। यहाँ पर उन्होंने अमर कथा सुनाई थी माँ गौरा को। अब हुआ यूँ, भोले बाबा तो आपको पता है भोलेनाथ हैं हमारे, वो तो मस्त हो गए, और माँ गौरा सुनते सुनते अमर कथा को उनकी आंख लग गई। अब वहाँ पर दो कबूतर थे, एक जोड़ा था कबूतर का, जो सफ़ेद जोड़ा कबूतर का आप अब भी देखते हैं अमरनाथ की कथा में, वो वहीं था। उसने ये सारी कथा सुन ली थी और वो अपनी गुटरगू करते जा रहे थे। तो भोलेनाथ ने सोचा कि माँ गौरा हुकारे भर रही हैं, और वो पूरी कथा सुनाते रहे। जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही माँ गौरा की आँख जो है वो खुल गई। तो माँ गौरा ने कहा और इसके बाद क्या हुआ? तो महादेव ने कहा अरे कथा तो खत्म हो गई है। तो उसने कहा आपने नहीं सुनी? उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी थोड़ी आँख लग गई थी। तो ये हुकारे कौन भर रहा था? इतने में ही क्रोधित हो गए भोलेनाथ की कि ये हुकारे किसने भरे थे। तो वो दोनों कबूतर का जोड़ा उन्होंने अपने आप को आगे आके भोले बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया कि हमने सुन लिया, हम अबोध थे, हमें पता नहीं था। तो भोले बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और बोला जब तक ये गुफा रहेगी तुम भी यहीं पर हो गए। तो वो अमर हो गए थे वो कबूतर का जोड़ा। आज भी अगर हम जाते हैं तो हमें वो कबूतर का जोड़ा उसी गुफा के ऊपर बैठा हुआ मिलता है। अब क्या हुआ, कथा सुनाने के बाद माँ गौरा और महादेव तो वहाँ से चले गए, मगर प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक शिवलिंग वहाँ पर हर वर्ष बनने लगा।
एक बार एक मलिक नाम का एक चरवाहा था, वो आया, उसने देखा साधु उस गुफा की तरफ जा रहा है, उसके पीछे पीछे वो गया। वहाँ उसने देखा साधु तो नहीं था मगर एक शिवलिंग बना हुआ है बर्फ का। उस चरवाहे ने जाकर सारे गांव में ये बात बताई और कहा जाता है कि उस चरवाहे के घर में जितना भी कोयला था ना वो सारे हीरे बन गए थे। और सारे गांव वाले जब जाके देखा तो सब मंत्रमुग्ध हो गए और तब से ये अमरनाथ की जो यात्रा है इसका प्रारंभ हुआ। जो भी यहाँ जाता है, जो भी दर्शन करता है अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के और उस कबूतर के जोड़े के, वो अमर तत्व को तो प्राप्त करता ही है, अपने जीवन की हर समस्या से निजात पाला जाता है। जय बाबा बर्फानी की। नमस्कार।